hello students good afternoon let's uh, do paper analysis of 16th october bio paper and you can see here different four versions according to your version you can check the question number question number 91 in version 1 in version 2 it's 100 in version 3 it's 111 version 4 116

एंड प्रोड्यूजेस पायरावेट साइटो प्लाजम में होगा ये साइटो प्लाजम में होगा एंड इट प्रोड्यूजेस थ्री कार्बन कंपाउंड पायरावेट थ्री कार्बन कंपाउंड एंटर्स इंटू माइटोकॉन्ड्रिया तो करेक्ट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर सेकेंड क्वेश्चन ले लीजिए डी कार्बोक्सिलेशन नॉट इनवॉल इन डी कार्बोक्सिलेशन मतलब लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्सा होगा ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन ग्लाइकोलाइसिस में डी कार्बोक्सिलेशन नहीं होगा देर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड लॉस इन ग्लाइकोलाइसिस बिकॉज वी नो ग्लाइकोलाइसिस मीन वन ग्लूकोस स्प्लेट्स इन टू टू मॉलिकुल पैरोवेट टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पैरावेट बोथ आर थ्री थ्री कार्बन ईट देर फॉर देर इज नो लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लीजिए नाइन्टी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड कै में आएगा कार्बन डाइऑक्साइड कैमे आएगा रिलीज होगा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा देखिए अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा ड्यूरिंग द कन्वर्शन ऑफ पायरेविक एसिड इनटू इथेनॉल पायरेविक एसिड से इथेनॉल बनेगा पायरेविक एसिड में थ्री कार्बन होते हैं इथेनॉल में टू कार्बन होते हैं देर इज लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देर नेक्स्ट विच ऑफ दॉट यूज इन कन्वर्सन बाई पायरेवेट टू एसिटाइल कोवे पायरेवेट से रिएक्शन हो रहा है Say for example, pyruvate से फॉर एग्जाम्पल पायरेवेट सेवे हो रहा है देन वॉट इज नॉट यूज नॉट यूज पूछ रहा है नॉट यूज के लिए क्या लिखेंगे हम ऑक्सीडेटिव फॉसफोलेशन नॉट यूज ऑक्सीडेटिव फास्फोलेशन तो यूज नहीं होगा ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रेशन भी नहीं होगा ठीक है ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन होगा देखिए ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन ये होगा अपने को पूछा है क्या नहीं होगा क्या नहीं होगा वन टू थ्री दिस ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजिनेशन ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रेशन ऑक्सीडेटिव फास्फोलेशन

In which one of the following do the names refer to tricarboxylic acid tricarboxylic acid ke liye different name hai. this is citric acid cycle and Krebs cycle they are also called TCA cycle tricarboxylic acid cycle bhi bolte usko. <coughs> where do you find citrate synthase enzyme citrate synthase enzyme टीसीए साइकिल का जो सिट्रेट सिंथेज एंजाइम है वो कहा मिलेगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इन यू ठीक है माइटोकॉन्ड्रल मैट्रिक्स इन यू थोड़े से आप डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन लेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहा मिलेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनर माइटोकॉन्ड्रियल में होने वाला है द टर्मिनल साइटोक्रोम विच डोनेट अलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन तो वी नो दिक्वेंस साइटोक्रोम बी सी वन सी ए थ्री क्वेश्चन है टर्मिनल साइटोक्रोम लास्ट साइटोक्रोम विच डोनेट्स अलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन ऑक्सीजन को अलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है लास्ट वन तो साइटोक्रोम ए थ्री लास्ट डोनेट कर रहा है ये इसलिए इसको टर्मिनल भी बोले हैं Uh, ये क्वेश्चन देखेंगे हाउ मेनी एटीबी मॉलिक्यूल कैन बी प्रोड्यूस थ्रो ऑक्सीडेटिव फर्स्फोलेशन ऑफ टू एन एडीएस टू टू एन एडीएस दोनों मिलाकर लेंगे ट्वेल्व नेक्स्ट द मेन पर्पज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज टू मेन पर्पज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पायरावेट तो ब्रेक होता ही नहीं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पायरावेट आता ही नहीं दैट्स एलिमिनेट सी ए साइकिली सी ए साइकिल के इंटरमीडिएट मैलिक एसिड सक्सिनिक एसिड ऑक्जोलो सक्सिनिक एसिड ऑक्जोलाटिक एसिड इनको बोलते हैं इंटरमीडिएट तो यहाँ पर जो मेन पर्पज़ है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यान ए डी एस टू को यानि डी बनाना यान ए डी एस टू का ऑक्सीडेशन होगा

ऑक्सीडेशन ऑफ वन गलत थ्री आना चाहिए ना वन एन एडीएसेशन लाइट एनर्जी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियन इन रेस्पिरेशन लाइट एनर्जी नॉट यूज इन रेस्पिशन लाइट एनर्जी इज नॉट यूज फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी यूज होती है देयर फॉर कॉल्ड ए एटीपी फॉर्मेशन इन फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड फोटोफॉसफोरेशन वही जो है एटीएस में ऑक्सीडेशन यूज होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन एनर्जी तो करेक्ट यहाँ पे आंसर हो रहा है सी ऑप्शन

ग्लूकोज 16 डाइफॉस्फेट लिख रहा है फ्रुक्टोज 16 डाइफॉस्फेट आना चाहिए फ्रुक्टोज 1,6 होता है डाइफॉस्फेट स्कीम ऑफ ये तो देखिए पक्का जो श्योर है आप वो टिक करते जाइए स्कीम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस वाज गिवन बाय एम्बेडेन मैरो मॉरिसन बोला यहाँ पे मॉरिसन गलत है मैरो आना चाहिए And uh, ATP is utilized at the two step first in the conversion of glucose into glucose six phosphate। ha ye bhi correct। hai It is ten enzymatic reaction, ठीक है, that converts six molecule to a three molecule. Two a a की वजह से यहाँ पे wrong हो रहा है, देखिए, two a a की वजह से two क्या ना चाहिए यहाँ पर it is टेन enzymatic reaction that convert इज six molecule to two molecules of three carbon pyruvate आना चाहिए यहाँ पे टू ए बोल के लिखा है सिंगल पायरोवेट बोल रहा है दैट इज रॉन्ग तो यहां पे करेक्ट हो रहे हैं देखिए ग्लूकोज अंडर को पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल यहां पर वन मॉलिक्यूल भी रॉन्ग हो रहा है दिस इज ऑल्सो गोइंग टू रॉन्ग वन मॉलिक्यूल ऑफ पैरिक एसिड गलत ग्लूकोज इज फॉस्फोर रिलेटेड टू ग्लूकोज अब देखो यहां पर क्या हुआ वन एंड टू रॉन्ग हो गए ना वन तो पक्का रॉन्ग है टू ए थ्री कार्बन पैरोवेट टू ए बोला है ना तो वन यहां पे रॉन्ग और सेकेंड uh, स्टेटमेंट भी रॉन्ग सेकेंड किस में दिया है ये भी रॉन्ग ठीक है और क्या कर सकते हैं देखिए अब आंसर या तो बी और सी में आना चाहिए अब बी में क्या दिया देखिए ग्लूकोज इज फॉसफोर रिलेटेड टू ग्लूकोज वन कामा सिक्स फास्फेट वाज गिवन में देखिए <laughs> The scheme of glycolysis was given by Embden, right? Morrison and Parnas. Morrison, Morrison wrong है देखिए। तो ये भी wrong हो जाएगा। तो बचेंगे सिर्फ four और five। Sorry। यहाँ पर देखिए ये पक्का जो है फोर्थ स्टेटमेंट तो रॉन्ग है एम्बेड मॉरिसन मॉरिसन नहीं है तो ये फोर्थ स्टेटमेंट वाला भी हटा दीजिए तो बचेगा एक ही ऑप्शनोज कामा सिक्स फास्टफेट मतलब आगे जाके ये इनडायरेक्टली स्टेटमेंट ग्लूकोज से ग्लूकोज सिक्स फास्टफेट बनता है डाईफॉस्फेट तो ग्लूकोज से आगे कन्वर्शन हो सकता है ग्लूकोज वन कॉमा सिक्स बाईफॉस्फेट में भी कन्वर्ट हो सकता है बिकॉज ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर आइसोमर्स आइसोमर्स हैं वो तो so, ये सेकेंड ऑप्शन ले लेंगे आप एलिमिनेशन से करना था ये क्वेश्चन ग्लाइकोलाइसिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन बिल्कुल सही इन विच ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक इन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बिल्कुल रॉन्ग ग्लाइकोलाइसिस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर नहीं आएगा तो मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया इन दिस प्रोसेस देर इज अ गेन ऑफ 24 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी गलत ग्लाइकोलाइसिस में 24 एटीपी थोड़ी बनते नहीं बनते ना तो करेक्ट आंसर यहां पे इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकांड्रिया कंटेन सिस्टम्स इन्वॉल्विंग

रीजन नहीं आया तो यहाँ पर क्या होगा नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है वो एक्सप्लेन क्या करना चाहिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकिया इनवॉल्व इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाई बोल के बोलना चाहिए